ये कहानी है एक राजकुमारी की जिसका नाम है मेरिडा। वो प्राचीन प्रथा का उल्लंघन करती है, अभिशाप बदलने की अपनी यात्रा के दौरान एक बुजुर्ग चुड़ैल से मिलती है, जिसके बाद राजकुमारी और उसकी माँ पर बहुत बड़ी मुसीबत आती है। मूवी की शुरुआत एक छोटे से परिवार से शुरू होती है। इस बच्ची का नाम मेरिडा है और उसके माता का नाम एलेना और पिता का नाम फर्गस है। मेरिडा ने बचपन से ही अपने पिता को वार लड़ते हुए देखा है, इसी कारण मेरिडा को भी तीर चलाने का बड़ा शौक है। तभी छोटी बच्ची मेरिडा को जादुई जुगनू दिखाई देते हैं। उसी का पीछा करते हुए मेरिडा जंगल में पहुंच जाती है, जहां पे उसका सामना होता है एक बहुत ही बड़े जंगली राक्षस से, यानी कि जंगली भालू से। मेरिडा को बचाने के लिए मेरिडा के पिता आगे आते हैं और इस लड़ाई में मेरिडा के पिता फर्गस अपना एक पैर खो देते हैं। कहानी कुछ साल आगे बढ़ती है और अब मेरिडा बड़ी हो चुकी है और उसी के साथ उसके तीन छोटे छोटे भाई भी हैं। एलेना का पूरा समय मेरिडा को सिखाने में चला जाता है कि उसको एक राजकुमारी के जैसा रहना है, लेकिन मेरिडा को ये जिंदगी पसंद नहीं थी। मेरिडा लड़कों की तरह घूमना चाहती थी, खेलना चाहती थी और हमेशा जंगल में रहना चाहती थी मोगली की तरह। एक रात जब सभी खाना खाने बैठे थे तो एक शाही पत्र आता है। इस शाही पत्र में लिखा था कि अलग अलग राज्य से राजा आएंगे, जिसके बाद में मेरिडा ने पूछा कि आखिर इतने सारे राजा हमारे राज्य में क्यों आ रहे हैं। तब एलेना अपने पति फर्गस को कहती है कि अपने बेटी को बताओ कि आखिर बात क्या है। मेरिडा को पता चलता है कि जल्दी उसका स्वयंवर होने वाला है, उससे शादी करने के लिए कई राज्यों के राजा आ रहे हैं और राजकुमार मेरिडा का दिल जीतेंगे। ये बात सुनकर मेरिडा बहुत गुस्से में आ जाती है, क्योंकि उसे शादी नहीं करनी थी और दबाव में आने से तो बिल्कुल भी नहीं। वो गुस्से में आकर वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद एलेना और अपनी बेटी मेरिडा के पास आती है और एक बहुत पुरानी कहानी सुनाती है। एलेना मेरिडा को कहती है कि बहुत सालों पहले चार राजा हुआ करते थे। उन चारों राजाओं में से एक राजा चाहता था कि उसके पास 10 इंसानों की शक्ति हो और वही सबसे बड़ा और ताकतवर राजा बने, और वो खुद पे एक जादू करवाया, जिसके बाद वो राजा अपने परिवार से अलग हो गया और सभी से दूर रहने लगा। लेकिन इस कहानी से मेरिडा की शादी से कोई लेना देना नहीं था, इसी कारण मेरिडा और नाराज हो जाती है और अपने माता पिता की बात नहीं सुनती है। देखते ही देखते वहाँ राज्यों से राजा आने लगते हैं अपने अपने बेटों के साथ। एलेना ने मेरिडा को राजकुमारी की तरह तैयार कर दिया था। अब यहाँ पर एलेना सभी का स्वागत करती है, उसके बाद बताती है कि राजकुमारी अपनी तरफ से एक खेल रखती है, जो भी इस खेल को जीत जाता है मेरिडा उसी से शादी करेगी। फर्गस उन सभी राजाओं में से सबसे बड़ा राजा था, इसी कारण फर्गस के बेटी से शादी करना बहुत बड़ी बात थी। पहले तो सभी राजा आपस में ही लड़ने लगते हैं, लेकिन एलेना के चुप कराने के बाद सभी अपनी अपनी जगह पर बैठ जाते हैं। अब खेल शुरू होता है, लेकिन कोई भी राजकुमार सही जगह निशाना नहीं लगा पाता, और एक राजकुमार जिसको धनुष बाण पकड़ना भी नहीं आता था, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी होने के कारण निशाना सही जगह लग जाता है। अब जैसा कि रानी एलेना ने कहा था कि जो भी निशाना सही लगाएगा मेरिडा से उसी से शादी होगी, लेकिन मेरिडा ऐसा नहीं चाहती थी। इसी कारण मेरिडा इन सभी लोगों के सामने जाती है और कहती है कि मैं अपने आप को भी इस प्रतियोगिता में शामिल करती हूँ और मैं खुद का हाथ खुद से ही मानना चाहती हूँ। जिसके बाद मेरिडा एक एक करके बिल्कुल सही गोले पे निशाना लगाती है। यहाँ मेरिडा एक राजकुमारी कम बल्कि बिगड़ लड़की ज्यादा लग रही थी और वो भाग के अपने कमरे में आ जाती है। एलेना मेरिडा को बहुत चिल्लाती है कि तुम एक राजकुमारी हो और राजकुमारी ऐसा कभी नहीं करती है, लेकिन मेरिडा इतना ज्यादा गुस्से में थी कि अपनी माँ को अपने पास नहीं आने देना चाहती थी। वो अपनी माँ की तस्वीर को अपने आप से अलग कर देती है और गुस्से में उसकी माँ उसका धनुष आग में डाल देती है। मेरिडा वहाँ से रोते हुए जंगल की ओर भागती है। जंगल में आने के बाद मेरिडा को उसका घोड़ा नीचे गिरा देता है और बड़े बड़े पत्थरों के बीच में मेरिडा अकेली बैठी थी, और तभी उसके सामने जादुई जुगनू आ जाते हैं जो उसने बचपन में देखा था। मेरिडा अपना रोना धोना भूलकर इन्हीं जुगनू के पीछे जाने लगती है। ये जादुई जुगनू मेरिडा को जंगल के अंदर एक घर में ले आती है, जहाँ पर उसे एक बूढ़ी औरत मिलती है। घर के अंदर एक चुड़ैल थी, ऐसी चुड़ैल जो बाकी जादूगरों से अलग थी। मेरिडा उसे देखकर खुश हो जाती है और कहती है, मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। ये चुड़ैल बहुत लालची थी मेरी होने वाली सास की तरह, इसी कारण वो पहले अपनी कीमत मांगती है। मेरिडा अपने गले से लॉकेट निकाल कर दे देती है। ये चुड़ैल लॉकेट देखते ही पहचान जाती है और उसे बताती है कि सालों पहले जो एक राजा आया था, जिसने 10 लोगों की शक्तियाँ मांगी थी और उसके साथ बहुत बुरा हुआ है, शायद तुम्हारे साथ भी ऐसा कुछ हो सकता है। मेरिडा कहती है, ये सब एक कहानी है और आप मेरी माँ को बदल दीजिए ताकि मेरी किस्मत बदल जाए। चुड़ैल उसकी बात मान जाती है और वो मेरिडा के लिए काला जादू करती है, जिसके बाद वो केक बनाकर मेरिडा को देती है। मेरिडा के जाने से पहले चुड़ैल को एक बात बतानी थी, लेकिन तब तक मेरिडा बाहर जा चुकी थी, और तभी चुड़ैल की झोपड़ी गायब हो जाती है। मेरिडा अपने घर जाती है और अपने माँ से मिलती है। मेरिडा कहती है कि हम दोनों अपने झगड़े को भुला देते हैं। उसके बाद मेरिडा कहती है, देखो मैंने आपके लिए कुछ बनाया है। एलेना अपने बेटी के हाथ में रखा केक उसी टाइम खा लेती है, और देखते ही देखते एलेना की तबीयत बहुत ज्यादा खराब होने लगती है। मेरिडा बार बार अपनी माँ से एक ही सवाल करती है कि क्या आपको मेरी शादी नहीं करानी है, लेकिन एलेना की तबीयत ज्यादा खराब होने के कारण मेरिडा उसे रूम में ले जाती है। कुछ ही देर के अंदर एलेना पूरी तरीके से बदल चुकी थी। मेरिडा खुद डर जाती है, क्योंकि एलेना एक जंगली भालू बन चुकी थी। जब एलेना खुद को आईने में देखती है तो वो खुद भी डर जाती है कि ऐसा कैसे हो गया। मेरिडा सब कुछ बताती है कि वो जंगल में एक चुड़ैल के पास गई थी और उसके काले जादू के कारण उसकी ये हालत हो गई है, लेकिन जंगल में जाने के बाद फिर से सारी चीजें ठीक हो जाएंगी।
कई राज्य से आए हुए लोग अभी तक वहीं थे और तभी फर्गस को भालू की आवाज़ सुनाई देती है। फर्गस भालू का जानी दुश्मन है क्योंकि उसी की वजह से उसका एक पैर नहीं है और फर्गस इसी कारण वो अपने साथ सभी को लेकर ऊपर की तरफ जाने लगता है। यहाँ पर एलिनोर के नौकर ने भी एलिनोर को भालू के रूप में देख लिया था, इसीलिए वो चिल्लाते हुए बहुत तेज भागती है और सबको बता देती है कि भालू ऊपर है। किसी भी तरह माँ बेटी उस जगह से बाहर निकलते हैं और उसी चुड़ैल की तलाश में निकल जाते हैं। बहुत कोशिश करने के बाद मेरिडा को वो चुड़ैल नहीं मिलती। मेरिडा कमरे में जाने के बाद वही काला जादू मेरिडा को दिखाई देता है और उसमें से चुड़ैल का साया दिखाई देता है जो मेरिडा को बताती है कि अगले दो दिन बाद अगर तुम्हारी माँ हमेशा के लिए इसी रूप में रहेंगी, यानी कि वो एक जंगली भालू ही रहेंगी। चुड़ैल मेरिडा को पहेली में इस श्राप को तोड़ने का उपाय बताती है। नसीब बदलेगा जिद को पियो, अहंकार से फटे रिश्ते को सियो, ये पहेली मेरिडा को समझ नहीं आती और वो चुड़ैल 6 महीनों के बाद ही आएगी, जिसके बाद एलिनोर और मेरिडा दोनों की उम्मीदें टूट जाती है। मेरिडा इस जंगल की सारी चीजें जानती थी। मेरिडा अपनी माँ को पानी में ले आती है और मछली पकड़ना सिखाती है और उसके बाद मेरिडा मछली को अच्छी तरह से बनाकर एलिनोर को खिलाती है। एक वक्त ऐसा आता है कि एलिनोर पूरी तरह से भूल चुकी थी कि वो एक इंसान है, इसी कारण वो अपनी बेटी के ऊपर हमला करने ही वाली थी, लेकिन तभी उसे याद आता है कि वो ऐसा नहीं कर सकती और मेरिडा को फिर से वही जादुई जुगनू दिखाई देते हैं, जिसका पीछा करते हुए ये लोग एक ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहां टूटा हुआ महल खंडर में बदल चुका था। मेरिडा को कुछ याद दिलाने पर मजबूर कर देती है, लेकिन मेरिडा का पैर फिसलने के कारण वो नीचे गड्ढे में गिर जाती है, जहां पर उसे 3 राजाओं की मूर्ति और एक अलग राजा की मूर्ति दिखाई देती है। ये सब देखकर मेरिडा को समझ में आ जाता है कि उसकी माँ ने जो कहानी बताई थी वो बिल्कुल सही थी, यानी कि वही राजा था जो चुड़ैल से मुराद मांगी थी। अपना भविष्य बदलने के लिए ये राजा हमेशा हमेशा के लिए जंगली भालू बन गया। उस भालू का नाम मल्डू था और इसी भालू ने फर्गस के ऊपर हमला किया था। मेरिडा अपनी जान बचा के यहाँ से ऊपर निकल आती है। एलिनोर मेरिडा को अपनी पीठ पर बैठा कर यहाँ से भाग जाती है। वापस ये दोनों उसी जगह पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर बहुत सारे पत्थर रखे थे। मेरिडा को अब जाके पहेली का मतलब समझ में आ चुका था कि खोए हुए रिश्तों को वापस से सही करना है, यानी कि उसे उस पर्दे को सिलना है। इस चीज के लिए इन्हें वापस महल जाना पड़ेगा, लेकिन एलिनोर एक भालू के रूप में थी, उसे देखकर फर्गस एक ही बार में उसे मार डालेगा, इसी कारण इन्हें चुपके से जाना पड़ता है। एलिनोर अपनी बेटी को एक खुफिया रास्ता बताती है और उसी से दोनों अंदर जाते हैं उस तस्वीर को सिलने के लिए जिसे मेरिडा ने अपनी तलवार से फाड़ दिया था। कोई भी एलिनोर को ना देख पाए इसलिए मेरिडा सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती है और वो सारे राजाओं के सामने जाकर सभी से कहती है कि रानी एलिनोर का कहना है कि हम जहां चाहे वहां शादी करें, जरूरी नहीं है कि राजकुमारी की शादी किसी राजकुमार से ही हो। मैंने और मेरी माँ ने मिलकर ये फैसला किया है कि मेरी शादी मेरे मन से होगी। हमें हमारे मन से शादी करना चाहिए और किसी दबाव में आकर नहीं करना चाहिए। और माँ ने ये भी कहा है कि ये पसंद मेरिडा की होनी चाहिए कि उसे किससे शादी करनी है। काश मेरी होने वाली सास भी ऐसी नेक भाषा बोलने लगे। ये बात सुनने के बाद सारे राजा उसकी बात को समझते हैं और बात मान जाते हैं और मेरिडा सभी राजाओं से कहती है कि आप राजा के पार्टी हॉल में जा सकते हैं, वहाँ पर खूब पार्टी करिए। सारे लोग वहाँ से चले जाते हैं, जिसके बाद मेरिडा एलिनोर को लेकर कमरे में पहुँचती है और उस पर्दे को सिलने की कोशिश करती है, लेकिन तभी फर्गस अपनी पत्नी एलिनोर को ढूंढते हुए उसके कमरे में जाता है और देखता है एलिनोर के कपड़े फटे हुए हैं। वो घबराहट में मेरिडा के कमरे में जाता है और देखता है कि उसके कमरे में एक बड़ा भालू है। मेरिडा फर्गस को समझाती है कि ये मेरी माँ है, लेकिन फर्गस फिर भी उस पर हमला करता है क्योंकि उस पर यकीन करना मुश्किल था। एलिनोर अपनी जान बचाने के लिए उस जगह से भाग निकलती है। फर्गस अपनी बेटी मेरिडा को कमरे में बंद कर देता है और नौकर को चाबी दे देता है और जो अंदर केक एलिनोर ने खाया था वही केक उसके तीनों छोटे बच्चों ने भी खा लिया था और अब वो भी जंगली भालू बन चुके हैं। मेरिडा अपने भाइयों से मदद मांगती है और अब वो छोटे भाई नौकर को परेशान कर देते हैं और वहाँ से चाबी ले आते हैं। राजा के साथ में बहुत सारे सैनिक थे जो कि इस भालू का शिकार करना चाहते थे। इन लोगों ने एलिनोर को पकड़ लेते हैं और जैसे ही ये लोग एलिनोर को मारने वाले थे कि तब तक यहाँ मेरिडा पहुँच जाती है और अपने पिता से लड़ती है कि आप मेरी माँ को नहीं मार सकते, लेकिन फर्गस फिर भी बात नहीं मानता। मेरिडा को दूर धक्का देकर एलिनोर को मारने ही वाला था कि तभी वहाँ मल्डू पहुँच जाता है जो खतरनाक भालू है और वो सभी के ऊपर हमला करने लगता है। अब फर्गस को समझ में आ चुका था कि जिस भालू ने उसका पैर काटा था वो एक दूसरा भालू है जो उसके सामने है। यहाँ पर आपस में सभी से लड़ाई होने लगती है। मल्डू किसी के भी बस में नहीं था। मल्डू मेरिडा के ऊपर हमला करने ही वाला था कि एलिनोर उस पर हमला करके मेरिडा को बचाने की कोशिश करती है, क्योंकि कोई भी माँ अपने बच्चों को खतरे में नहीं देख सकती। वो खतरनाक भालू को एक बड़े पत्थर पर धक्का देती है ताकि यह पत्थर पूरी तरह से टूट जाए। आखिर में मल्डू मेरिडा को मारने ही वाला था कि तभी वो पत्थर सीधा मल्डू के ऊपर ही गिरता है और मल्डू की वहीं पर मौत हो जाती है, जिसके बाद उस पत्थर में से मैजिकल जॉन निकलता है जो कि मल्डू का था और वो अब इस श्राप से आजाद हो चुका था। लेकिन अब तक एलिनोर इंसान में नहीं बदली थी।
दूसरा दिन शुरू भी होने वाला होता है। ये देखकर मेरिडा जोर जोर से रोने लगती है कि उसकी गलती के कारण उसकी माँ हमेशा के लिए एक जानवर में बदली रहेंगी। लेकिन सूरज की किरण उस तस्वीर पर पड़ती है जिसको मेरिडा ने अलग किया था, और उसी समय उसकी माँ इंसानी शरीर में वापस आती है और दोनों माँ बेटी अपनी गलती मानती है और फिर से ये परिवार हंसी खुशी रहने लगता है। वैसे आप अपनी शादी अपने पसंद से करेंगे या अपने घर वालों के पसंद से, ये बात हमें जरूर बताना। ये मूवी आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो एक लाइक करके जाना, और भी ऐसी ही मूवी एक्सप्लेन वीडियो देखने के लिए चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे आपसे बहुत ही जल्द अगली ऐसी ही धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।